हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में बायोलॉजी का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो देखिए, चैप्टर वाइज तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा ही रहा, अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पूरे बुक के क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे क्वेश्चन रहेंगे, तो देखिए इस वीडियो में हमारे पूरे बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, टोटल देखिए 51 क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे पूरे बुक के बहुविकल्पीय प्रश्न को। ठीक है, इसके बाद में हम पूरे बुक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर पूरे बुक के लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार की मैं आपको क्लासेस दूंगा ताकि कम से कम समय में आपकी बेटर तैयारी हो सके और अब की बार आप 95% प्लस ला सके। तो देखिए, ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक पूरे बायोलॉजी के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सबको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे एक एक क्वेश्चन और जिसको जिसको क्वेश्चन पता होगा वो साथ में बताते हुए चलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए किन किन चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका क्वेश्चन देखेंगे। फिर मानव जनन हम चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, फिर जनन स्वास्थ्य, फिर वंशागति और विविधता के सिद्धांत, 5 नंबर चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, फिर है जैव विकास, फिर मानव स्वास्थ्य तथा रोग, 8 नंबर चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, 9 नंबर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, 10 नंबर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, और 11 नंबर क्वेश्चन है जो आपका चैप्टर है वो है जीव और समष्टियां। ठीक है, और दो चैप्टर हमारे और हैं, 12 नंबर है पारितंत्र और 13 नंबर है जैव विविधता। यानी कि चैप्टर 1 से 13 तक सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो बनाऊं, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, एक एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेकर आए हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को। देखिए, चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर से कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है पहले उनको पढ़ेंगे, फिर दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे चैप्टर्स को हम फिनिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, ये सब आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, यानी कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए, चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि जो पुष्पी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन का है निभाग, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं चलाजा, खा है नाभिका, हाइलम बोलते हैं इंग्लिश में, गा है केंद्रक, घा है माइक्रोपाइल। ठीक है, तो देखिए बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। यह ऐसा स्थान होता है जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा सारे क्वेश्चन। अब आप सीरियसली आपको पढ़ाई को लेना होगा, जो इंजॉय एंटरटेनमेंट आपने किया वो किया, अब समय है कुछ करके दिखाने का। ठीक है, जिसने तैयारी की है अच्छी बात है, जिनकी तैयारी कम हुई है पूरी तैयारी होगी। दूसरा है द्विनिषेचन क्रिया होती है, जो डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है वो किस में होती है। का है शैवालों में, खा है ब्रायोफाइट्स में, गा है अनावृत बीजी पौधों में, और घा है आवृत बीजी पौधों में। तो देखिए द्विनिषेचन जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो आवृत बीजी पौधों में होता है। ठीक है, तीसरा देखिए, भ्रूण पोष की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो भ्रूण पोष में कोशिकाएं पाई जाती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो अगुणित होती हैं, द्विगुणित होती हैं, या त्रिगुणित होती हैं, या चौगुणित होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, वो त्रिगुणित होती है। ठीक, फोर नंबर क्वेश्चन, सेल्विया में परागण होता है। देखिए परागण मैंने आपको बताया कि वर्तिकाग्र से परागकणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। अब परागण कई प्रकार से होता है, कहीं कहीं परागण कीटों द्वारा होता है, कहीं कहीं जल द्वारा होता है, कहीं कहीं वायु से उड़कर परागकण एक वर्तिकाग्र से दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो परागण कई प्रकार से होता है, लेकिन जो सेल्विया होता है पौधा, इसमें परागण कैसे होता है। का है जल द्वारा, खा है वायु द्वारा, गा है कीटों द्वारा, घा है इनमें
पीछे कोई नहीं। तो इसमें जो परागण होता है वो कीटों द्वारा होता है, मतलब जो पराग को कण है उनको कीट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, इंसेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिमुखी कोशिकाएं वो होती हैं जो उपस्थित होती हैं, यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं, अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये है। ठीक है, का है निभागीय छोर पर, खा है अंडद्वार छोर पर, गा है मध्य में और घा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा निभागीय छोर पर। देखिए जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो निभागीय छोर पर पाई जाती हैं। 6 नंबर, देखिए एक टैपिटम होता है परत। ठीक है, टैपिटम परत का कार्य क्या होता है, टैपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 12th में तो आता ही आता है क्वेश्चन, साथ में ये अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि टैपिटम परत का क्या कार्य है, तो आपको देना होगा जवाब। ठीक है, वन लाइनर में, का है पराग कणों को नष्ट करना, खा है अंतःस्थीलियम का निर्माण, गा है पराग कणों का निर्माण, घा है पराग कणों का पोषण। तो देखिए पराग कणों का ये पराग कणों को पोषण प्रदान करती हैं, मतलब परागकण किस प्रकार से हैं उनको पोषण प्रदान करती है। ठीक है, उनको जीवित रखने में, तो घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 7 नंबर, अभी हम फर्स्ट चैप्टर पर ही हैं। ठीक है, जैसे सेकंड चैप्टर में आएंगे हम तो उसमें हेडिंग रहेगा सेकंड। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है, देखिए आपके पौधों में पुंकेसर और स्त्री केसर पाया जाता है। ठीक है, तो पुंकेसर नाम से स्पष्ट है। ठीक, ये कौन सा जननांग है, का है मादा जननांग, खा है नर जननांग, गा है का व खा दोनों, घा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुंकेसर जो है ये नर जननांग होता है, इसमें परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, और जो स्त्री केसर होता है वो मादा जननांग होता है। ठीक है, पौधों में 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर कैसा होता है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, का है सेवन केंद्रीय 8 कोशिकीय, खा है सेवन केंद्रीय 7 कोशिकीय, गा है 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय और घा है 8 केंद्रकीय 8 कोशिकीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय। ठीक है, इसमें डिफरेंस मतलब यही आपको मेन है, देखिए सारे सेम लग रहे हैं, कहीं 7 8 पहले है, कहीं 8 7 है, ठीक है, कहीं 8 8 है, तो आपको डिफरेंस समझना है कि आखिर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कैन बी। तो 8 का ग वाला ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, जो प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणपोष होता है ये परिपक्व होने पर 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है, मतलब 8 केंद्रक रहेंगे और 7 कोशिकाएं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो हमारा होगा 9 नंबर, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होगा, चैप्टर का नाम है मानव जनन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 हमारा है, इससे देखिए क्या है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है, यानी कि स्त्रियों में जो भ्रूण होता है, भ्रूण का मतलब जो बच्चा होता है, ठीक है, वो जब अंतररोपण उसका होता है गर्भाशय में तब किस अवस्था में रहता है, का है मोरूला, खा है ब्लास्टुला, गा है गैस्ट्रुला और घा है न्यूरुला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ब्लास्टुला, यानी कि स्त्री में अंतररोपण के समय जो भ्रूण है वो ब्लास्टुला अवस्था में होता है, जब वो गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपकता है। ठीक है, 10 नंबर, देखिए एंड्रोजेंस स्रावित होता है किसके द्वारा, एंड्रोजेंस का है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, खा है सल्टोली कोशिकाओं द्वारा, गा है स्पर्मेरिड्स द्वारा, घा है इनमें से कोई नहीं। तो जो एंड्रोजेंस होते हैं ये लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, और जो वृषण होता है पुरुषों में, ठीक है, टेस्टिस, उसमें लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो पता होगा शायद आप लोगों को, चैप्टर पढ़े होंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 11 नंबर, स्त्रियों में आवर्त चक्र जो मेस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सामान्यतः कितने दिन का होता है, सामान्यतः होता है, ठीक है, का है 10 से 11 दिन, खा है 28 से 29 दिन, गा है 25 से 26 दिन और घा है 17 दिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, 28 to 29 days, स्त्रियों में जो आवर्त चक्र होता है मेस्ट्रुअल साइकिल वो सामान्यतः 28 to 29 days का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो हमारा थर्ड चैप्टर का होगा, 12 नंबर क्वेश्चन, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है नहीं, और हमारे पूरे बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर सबसे छोटा चैप्टर है। ठीक है, देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में पुरुष से संबंधित है, इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जो पुरुष से संबंधित है, का है वैसेक्टॉमी, खा है गोलियां, गा है ट्यूबेक्टॉमी, खा है इनमें से कोई नहीं। देखिए वैसेक्टॉमी जो है ये पुरुषों से संबंधित है, मतलब अगर पुरुष से चाहता है कि मेरा
जो फुकराणु है वो बाहर ना निकले, यानी कि तो वैसेक्टॉमी वो करवाता है, ठीक है, जिसको बद्धकरण भी बोलते हैं। और स्टियो में ट्यूबेक्टॉमी होता है, क्योंकि इसमें फैलोपियन ट्यूब होता है, तो ट्यूब को काट कर बांध देते हैं, तो ट्यूबेक्टॉमी इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर से, चैप्टर थर्ड से हमारा एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर फोर से होगा, जो हमारे बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर देखा जाए चैप्टर 4 5 ये सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें हमें वंशागति के बारे में पढ़ना होता है, मेंडल के नियम और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको पढ़ना होता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका? आनुवंशिकी जो है ये जीव विज्ञान के, हमारे बायोलॉजी की एक ब्रांच है, शाखा है। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? का है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का, खा है आनुवंशिकता एवं उत्परिवर्तन का, गा है समानताओं का एवं विषमताओं का, और घा है उद्विकास एवं संरक्षण का। तो देखिए आनुवंशिकी जो है इसमें हम आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। मतलब आनुवंशिक रूप से, अगर मान लीजिए जैसे आनुवंशिक रोग आपने सुना होगा, किसी को हीमोफीलिया है या और भी बीमारी, वर्णांधता है, तो जो उसका बच्चा पैदा होगा उसमें भी उसके लक्षण रहेंगे और हो सकता है कि उसमें रोग रहे, ठीक है, तो उसको आनुवंशिक रोग कहते हैं। मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, ठीक है, और इसमें विभिन्नता का भी हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, वंशागत की यानी कि आनुवंशिकी की इकाई क्या है? का है गुणसूत्र, खा है जीन प्रारूप, गा है गालजी काय, घा है जीन। तो वंशागति की इकाई जीन है, ठीक है, 14 का घा वाला ऑप्शन राइट होगा। 15 नंबर देखिए, स्वायत्त रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब जो स्वायत्त रुधिर कणिकाएं होती हैं WBC होती हैं, ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं, इसका अगर ज्यादा उत्पादन होने लगे, अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगे, तो कौन सा रोग हो सकता है? कैन बी, ठीक है, का है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, खा है ल्यूकीमिया, गा है हीमोफी लिया, घा है उपरिक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर खा राइट होगा, ल्यूकीमिया। अगर आपके अंदर खून में जो है WBC RBC पाई जाती हैं, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, स्वायत्त रुधिर कणिकाएं, तो अगर जो स्वायत्त रुधिर कणिकाएं हैं WBC, अगर इसका ज्यादा उत्पादन होने लगे तो उस व्यक्ति को ल्यूकीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, मतलब ल्यूकीमिया डिजीज होता है, ये हो जाएगा अगर ज्यादा मात्रा में WBC बनने लगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 16 नंबर क्या है। अब आनुवंशिक रोग में आपने सुना होगा मंगोली जड़ता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ऐसे ऐसे रोग होते हैं। तो मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता जो रोग है किसके कारण होता है? का है लिंग गुण सूत्रों की एकल सूत्रता से, खा है 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता से, गा है लिंग गुण सूत्रों की एकाधि सूत्रता से, और घा है 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधि सूत्रता से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाध सूत्रता से मंगोली जड़ता नामक आनुवंशिक रोग होता है, ठीक है, तो घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 17 नंबर देखिए, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फीनोटाइप अनुपात क्रमशः होता है। यानी कि जो मेंडल का एकल संकर क्रॉस है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें मटर के लंबे और बौने पौधे का फीनोटाइप अनुपात क्रमशः कितना होगा? का है 3:1, खा है 1:3, गा है 1:2:1, घा है 1:1:2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 3:1, ठीक है। मेंडल के जो एक संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का जो फीनोटाइप्स होता है वो 3:1 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? यानी कि इसमें से कौन सा आनुवंशिक रोग है जो 21वें क्रोमोसोम, देखिए हमारे अंदर 23 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम, 23 जोड़ी, अगर संख्या में देखा जाए तो 46, ठीक है, तो कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? का है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, खा है टर्नर सिंड्रोम, गा है डाउन सिंड्रोम, और घा है थायलेसीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है ये आनुवंशिक, एक ऐसा आनुवंशिक रोग है जो 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है, यानी कि 21वें जोड़ी जो क्रोमोसोम है, जोड़ी का मतलब दो, ठीक है, अब जो 21वां जोड़ी है दो होना चाहिए वो तीन हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए डाउन सिंड्रोम हो जाएगा उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन था। आगे हम बढ़ते चलेंगे, यहाँ पे चैप्टर्स मैंने अब डाला नहीं है, लेकिन ये 5 नंबर चैप्टर है हमारा, वंशागति का आणविक आधार। देखिए चैप्टर क्या है, नाम क्या है, क्वेश्चन देखिए। हर गोविंद खुराना जाने जाते हैं किस
काम के लिए जाने जाते हैं। जैसे कोई अगर वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, तो कोई ना कोई उसकी विशेषता होगी, कोई ना कोई उसने काम किया होगा किसी क्षेत्र में, तभी वो जाना जाएगा। तो हरगोविंद खुराना जी किस लिए जाने जाते हैं? कहा है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, खा है आरएनए संरचना की खोज के लिए, गा है डीएनए संरचना की खोज के लिए, और घा है डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। देखिए हरगोविंद खुराना जो है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, मतलब प्रोटीन संश्लेषण में इनकी भूमिका है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण होता है जो एमआरएनए होता है, आपने सुना होगा एमआरएनए, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो का है केंद्रक में, खा है राइबोसोम में, गा है गोल्जी काय में, घा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, केंद्रक में, न्यूक्लियस में। जो एमआरएनए होता है, संदेश वाहक आरएनए होता है, उसका निर्माण जो है वो केंद्रक में होता है। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आरएनए अणु में थायमीन ये या रहेगा। ठीक है, थायमीन का विस्थापन होता है, आरएनए अणु में जो थायमीन का विस्थापन होगा वो किसके द्वारा होता है, मतलब थायमीन की जगह पर क्या पाया जाएगा? डीएनए में मेनली एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ये चार पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए अणु में थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि थायमीन का विस्थापन यूरेसिल के द्वारा होता है। ठीक है, डीएनए में आपका ये चारों पाया जाए, सॉरी ये पाया जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल नहीं पाया जाता। आरएनए में क्या पाया जाएगा? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। ठीक है, थायमिन नहीं पाया जाएगा। 22 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन को हेतु प्रारंभन प्रकूट है, यानी कि जेनेटिक कोड्स जो आपके होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट क्या है? का है ये यूजी, खा है यूएजी, गा है यूजीए, और घा है यूएए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, एयूजी। देखिए जब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो प्रारंभन प्रकूट होता है जेनेटिक कोड, उसको एयूजी को माना जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे 12th में है। ठीक है, ये चैप्टर यानी कि जैव विकास, ये बीच में जो है चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन फिर से इस चैप्टर को आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, जैव विकास चैप्टर, मतलब मानव का विकास कैसे हुआ। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन, कि मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात था, जो मिलर ने प्रयोग दिया जैव विकास में, उसमें जो है हाइड्रोजन मेथेन और अमोनिया का रेशियो क्या था, किस रेशियो में इन्होंने लिया था। ठीक है, का है 2:1:2, खा है 1:2:2, गा है 2:2:1, और घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, 2:1:1। ठीक है, यानी कि 212 आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, देखिए आइडिया किस तरह से, मिलर के राष्ट्र में क्या आता है, रा। ठीक है, और इसको आप लोग बोलिए 212। ठीक है, 12 के लास्ट में भी रहा आता है, तो आप समझ जाइए कि 2:1:2 होता है। देखिए 221 हो जाएगा, मिलर में सा तो आया नहीं है। ठीक है, ये 122 हो जाएगा, इसमें भी सा नहीं है, तो आप समझ जाइए, थोड़ा ट्रिक है कि 2:1:2 के द्वारा आप समझ सकते हैं कि 212 यानी कि मिलर रा और रा मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा स्टाइल। 24 नंबर देखिए, इसी चैप्टर का है, पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। इसी चैप्टर में एक सिद्धांत है पुनरावृत्त सिद्धांत, इसको किसने प्रतिपादित किया था, किस साइंटिस्ट ने, का है डार्विन, खा है माल्थस, गा है बीजमान, घा है हीकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, हीकल। ठीक है, पुनरावृत्त का सिद्धांत जो है वो हीकल जी ने दिया था। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, इसमें से किसका सिद्धांत है जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ही नहीं है, आखिर हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। का है स्टैनले मिलर, खा है AI ओपेरिन, गा है JBMS हैल्डन, और घा है माल्थस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, माल्थस। माल्थस का जो सिद्धांत है ये जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, बाकी स्टैनले मिलर का सिद्धांत उसी से संबंधित है, आखिर जीवन उत्पत्ति कैसे हुई, और AI ओपेरिन का भी सिद्धांत उसी से संबंधित है, JBS हैल्डन का भी सिद्धांत संबंधित है, बट माल्थस का सिद्धांत संबंधित नहीं है। 26, प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, का है लैमार्क ने, खा है डार्विन ने, गा है वैलेस ने, घा है ह्यूंगो डी ब्रिज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, डार्विन ने। ठीक है, प्राकृतिक चयन यानी कि प्राकृतिक जो चयन है इसका सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। तो 26 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, जो कि हमारे इसी चैप्टर से होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर में जो डार्विन के फिंचेज हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो क्वेश्चन है 27 नंबर की,
डार्विन फिंचेज उदाहरण है। डार्विन फिंचेज जो है वो किसका एग्जाम्पल है? का है अनुकूली विकिरण का, खा है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, गा है अनुकूली अभिसरण का, घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, अनुकूली विकिरण का। देखिए डार्विन फिंचेज जो है ये अनुकूली विकिरण का एक एग्जाम्पल है। ठीक, 28 नंबर निंद्रा। अब हम आते हैं मानव स्वास्थ्य रोग चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हेल्थ के बारे में जानना जरूरी है, किसके कारण कौन सा डिजीज होता है, कौन से डिजीज का वाहक कौन है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलती हैं। ये चैप्टर हमारे सिलेबस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और आगे आप बढ़ेंगे तो आपके हेल्थ से रिलेटेड भी सारी चीजें इसमें दी गई हैं। निंद्रा रोग किस जंतु के कारण होता है? बहुत सारे लोगों को निंद्रा रोग होता है, जो हरदम सोते रहते हैं, उनको नींद आती रहती है। तो का है युगलीना, खा है प्लाज्मोडियम, गा है ट्रिपैनोसोमा और घा है अमीबा। तो निंद्रा रोग होता है ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। इसको कैसे याद करोगे? देखो ट्रिपैनोसोमा, सोना और सोमा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। निंद्रा रोग का मतलब सोना, तो सोना इसको समझ लीजिए माँ को। ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा एक आइडिया मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 29 नंबर चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। चिकनगुनिया आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जो फीवर होता है, इसके विषाणु का वाहक कौन है? चिकनगुनिया विषाणु, वाहक का मतलब क्या होता है? देखिए एक होता है जिस विषाणु के कारण हो, ठीक है, रोगजनक उसको बोलते हैं, वो रोग को उत्पन्न करता है रोगजनक। अब कुछ लोग होते हैं जो उसको लेकर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, जैसे मच्छर जो है उसके अंदर वायरस नहीं पाया जाता, जो हमें जो है उसके द्वारा हमें कुछ भी हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डेंगू हो जाए, तो ये जो है वाहक होते हैं मच्छर, मतलब उस रोगजनक को लेकर जाते हैं और आपके अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर पाया जाता है, उसको लाता है। तो चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है? वाहक का मतलब लाने वाला, ठीक है। का है क्यूलेक्स मच्छर, खा है एडीज मच्छर, गा है एनोफिलीज मच्छर, घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, एडीज मच्छर। देखिए जो एडीज मच्छर होते हैं मॉस्किटोज, ये चिकनगुनिया विषाणु का वाहक होता है, मतलब ये चिकनगुनिया विषाणु को लेकर आता है और आपके अंदर ट्रांसफर कर देता है आपको बाइट करके। ठीक है, 30 नंबर पीत ज्वर का वाहक है। पीत ज्वर का मतलब समझे? टाइफाइड, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे टाइफाइड ही हो तो भी चलेगा, हिंदी कहीं कहीं आप इंग्लिश ही ज़्यादा सूटेबल समझते हैं। ठीक है, का है एनोफिलीज, खा है क्यूलेक्स, गा है एडीज, घा है मस्का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, एडीज। ठीक है, जो एडीज मच्छर होते हैं ये पीत ज्वर का भी वाहक होते हैं, यानी कि चिकनगुनिया विषाणु का भी यही वाहक हैं और पीत ज्वर का भी यही वाहक हैं। ठीक है, वो ही लाते हैं विषाणु को, तो भैया इनसे बच कर रहिए। अब आप लोग कहेंगे सर पहचानेंगे कैसे? ठीक है, 31 देखिए, एडीज एजिप्टियाई वाहक है। किसका, किस बुखार का ये वाहक है? का है डेंगू बुखार का, खा है मलेरिया बुखार, गा है फाइलेरिया का, घा है कालाजार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, डेंगू बुखार का। देखिए एडीज एजिप्टियाई ये जो है डेंगू बुखार का वाहक है, ये विषाणु है। ठीक है, समझ में आया, मतलब ये मच्छर है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, टीबी के टीके का नाम है। टीबी आपने सुना होगा रोग, ठीक है, जिसमें लोग क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस, इसके टीके का नाम क्या है, इससे बचने के लिए कौन सा टीका हम लगवाते हैं? का है PAS, खा है OPB, गा है DPT, घा है BCG। तो इसके लिए BCG टीका लगवाया जाता है। ठीक है, जिसको टीबी हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस, उसको BCG टीका लगवाया जाता है ताकि वो उससे बच सके। 33 नंबर, अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है। अफीम से कौन सा मॉर्फिन प्राप्त होता है? का है पोम, खा है एल्केलाइड, गा है लैक्टेस, घा है टेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, एल्केलाइड। देखिए अफीम से जो प्राप्त मॉर्फिन है वो एल्केलाइड होता है। 34 नंबर देखिए, डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू जो है इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, यानी कि आप को किसी को भी डेंगू अगर हो जाता है तो हड्डियां ऐसा लगेगा कि टूट रही हैं भैया, ठीक है, बहुत दर्द होगा। तो का है क्यूलेक्स, खा है एडीज, गा है एनोफिलीज, घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो वाहक है वो एडीज मच्छर है। डेंगू जो हड्डी तोड़ बुखार है इसका वाहक एडीज मच्छर है। 35 नंबर, टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? टाइफाइड के रोगजनक का नाम, देखिए मैंने आपको बताया एक होता है वाहक, मच्छर जो है वो वाहक होते हैं, वो खुद विषाणु अपने पास नहीं रखते, ठीक है, वो कहीं से विषाणु लाते हैं और आपके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। रोगजनक का मतलब होता है जिसके कारण हो, जैसे मच्छर जो है उस रोगजनक को लाते हैं, आपको बाइट कर दिया भैया, काट लिया और आपको हो गया। तो टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? का है स्कैरिस, खा है साल्मोनेला, गा है प्लाज्मोडियम, घा है अमीबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, साल्मोनेला टाइफी। आपने सुना होगा इसको साल्मोनेला टाइफी भी बोलते हैं। तो टाइफाइड के रोगजनक का जो वाहक है जिसके कारण होता है टाइफाइड, वो है साल्मोनेला
या टाइफी, फाइलमोनेला टाइफी भी साथ में बोल सकते हैं। 36 नंबर देखते हैं, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे लिए उपयोगी भी हैं और हमारे लिए हानिकारक भी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हैं जैसे विषाणु जीवाणु जो हमें हमारे अंदर रोग पैदा करते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसको आप खाते भी हैं जाने अनजाने में, ठीक है। जैसे दही के अंदर भी छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बैक्टीरिया आपको दिखेंगे और आप उसको खाते हैं, ठीक है। अगर कुछ दिन दही को रख दिया जाए तो वही बैक्टीरिया बड़े हो जाते हैं, तो आप लोग कहेंगे कीड़े पड़ गए, ठीक है। वही बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं, जब छोटे होते हैं आप लोगों को दिखाई देता नहीं है, सबके पास माइक्रोस्कोप नहीं होता है, ठीक। समझ में आया, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे छोटे जीवाणु आपको दही में भी दिखेंगे और वो हमारे लिए हानिकारक भी नहीं होते, वो लाभदायक होते हैं, ठीक है। समझ में आया। देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काहे बीजमान ने, खाए स्मिथ ने, गाहे फ्लेमिंग ने, गाहे आर्चर ने, तो फ्लेमिंग ने की थी भैया, पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की। 37, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है, यानी कि अगर आपको शर्करा से अल्कोहल बनाना है तो कौन से फंगाई का आप यूज करेंगे, कौन से कवक का, काहे ईस्ट, खाहे पेनिसिलिन, गाहे राइजोपस, गाहे म्यूकस, ठीक है, म्यूकर कर दीजिएगा, म्यूकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का का वाला ऑप्शन सही होगा, ईस्ट। अगर आपको शर्करा को से अल्कोहल बनाना है तो ईस्ट का यूज किया जाता है। 38 नंबर, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, जो 9 नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो बीटी जीव विष जो होता है वो किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, का है बैसिलस बुलगैरिस, खा है बैसिलस थुरिंजियंसिस, गा है बैसिलस सबटाइलिस, घा है बैसिलस मेगाथीरियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बैसिलस थुरिंजियंसिस, यानी कि बीटी जीव विष जो है ये बैसिलस थुरिंजियंसिस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय, जैव विघटित प्रदूषक है, इसमें से कौन सा है जो एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, का है प्लास्टिक, खा है एस्बेस्टोस, गा है वाहित मल, घा है ई कचरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, वाहित मल, ठीक है। ये जो होता है ये एक जैव निम्नीकरणीय, जैव विघटित प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा है, इसमें से कौन सा प्लांट है जो आनुवंशिकता रूपांतरित है, ठीक है। का है बीटी कपास, खा है बीटी मक्का, गा है गोल्डन राइस, घा है इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, बीटी कपास, ये जो होता है ये आनुवंशिक रूपांतरित पौधा है। 41 नंबर देखिए, हमारे नेक्स्ट चैप्टर से जैव प्रौद्योगिकी उसके अनुप्रयोग, ठीक है। डीएनए खंडों की पहचान करते हैं किसके द्वारा करते हैं, कौन सी प्रक्रिया है, का है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, खा है सदर्न ब्लॉटिंग से, गा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, और घा है इन सभी से। तो भैया सदर्न ब्लॉटिंग से हम डीएनए खंडों की पहचान करते हैं, यानी कि डीएनए को अगर खंडों में तोड़ दिया गया उसको कैसे पहचानेंगे, तो हम उसको पहचानते हैं सदर्न ब्लॉटिंग प्रक्रिया के द्वारा। 42 नंबर, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी, यानी कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी थी, का है प्रतिबंध अंतः न्यूक्लियस एंजाइम, खा है डीएनए लाइगेज, गा है डीएनए गायरेज, खा है डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम, यानी कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव जो है वो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम की खोज में पड़ी थी। 43, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कहाँ करते हैं हम, का है कृषि के क्षेत्र में, खा है चिकित्सा के क्षेत्र में, गा है पारजीवी जीव में, घा है उपयुक्त सभी। तो भैया सब में हम करते हैं, ठीक है। 43 का घा वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसका यूज हम कृषि में भी करते हैं, एग्रीकल्चरल साइड में भी, चिकित्सा में भी, ठीक है, पारजीवी जीव में भी, और इनमें से सभी, अर्थात तीनों में करते हैं, ठीक है। तो इनमें से तीनों ऑप्शन राइट है। 44 नंबर देखिए, पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है कौन सा, का है सीटी, खा है एमटी, गा है बीटी, घा है जीएसटी। तो भैया जीएसटी होगा, ठीक है। 44 का घा वाला ऑप्शन सही होगा, ये पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। 45 बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है, मैंने बताया था बीटी जीव विष अभी, का है बैसिलस वल्गैरिस, खा है बैसिलस थुरिंजियंसिस, गा है बैसिलस सबटाइलिस, और सबटाइलिस कर दीजिएगा, घा है बैसिलस मेगाथीरियम। तो बैसिलस थुरिंजियंसिस के द्वारा बीटी टॉक्सिन जीवाणु किस जीवाणु से बनता है, तो बीटी टॉक्सिन जो है वो बैसिलस थुरिंजियंसिस के द्वारा बनता है। ये 45 नंबर क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन और है हमारे ऑब्जेक्टिव में। 46 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है, ये हमारे
पारितंत्र से का क्वेश्चन है 12 नंबर चैप्टर, ठीक है 11 का क्वेश्चन 12। पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? पारिस्थितिक की तंत्र यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है इससे रिलेटेड हमारे इंडियन साइंटिस्ट कौन है? का है बीरबल साहनी, खा है आर मिश्रा, मिश्रा कर दीजिएगा, गा है राम उदार, खा है केसी मेहता। तो आर मिश्रा जी पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हमारे हैं। 47 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? एक दिशीय, वन डायरेक्शनल या टू डायरेक्शनल या बहु डायरेक्शनल, ठीक है या घा, ये सभी। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? वो एक दिशीय होता है, वन डायरेक्शनल, ठीक है एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होगा। 48 नंबर देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है किसकी? पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? जो नेसेसरी है, रेगुलर होनी चाहिए। का है जल की, खा है वायु की, गा है ऊर्जा की, घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ऊर्जा की। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता जरूर होती है। 49 नंबर हमारे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन अब होगा जो जैव विविधता एवं संरक्षण है। देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? देखिए आप पूरे भारत का लेंगे भैया तो मोर है, ठीक है, लेकिन यूपी का कौन है हमारे उत्तर प्रदेश का? का है मोर, खा है सारस, गा है कबूतर, घा है गौरैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, सारस। देखिए यूपी का जो राज्य पक्षी है वो सारस है। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्तनिक संकटग्रस्त नहीं है? इसमें से कौन सा अस्तनिक है जो संकटग्रस्त नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है? का है लाल पांडा, खा है कस्तूरी मृग, गा है नील गाय और घा है भारतीय बब्बर शेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, नील गाय। नील गाय जो है ये अस्तनिक संकटग्रस्त नहीं है, बाकी सब हैं, सबके ऊपर संकट है, ठीक है। कस्तूरी मृग हो, भारतीय बब्बर शेर हो या लाल पांडा हो, सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और नील गाय अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे गाँव में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 51 नंबर, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मेनली आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है। का है उत्तराखंड, खा है राजस्थान, गा है गुजरात, खा है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गिर उद्यान है वो मध्य प्रदेश में उपस्थित है। तो ये आपके 51 सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है, इनको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आज का ये हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया 12th बायोलॉजी, पूरे बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर 13 तक जो 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको मैंने आपको बता दिया पूरे चैप्टर से, ठीक है। अब आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं अत लघुत्तरीय सबका वीडियो लेकर आऊँ, तो सपोर्ट आप लोग बनाए रखें, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है, टॉपर बनाकर रहेंगे। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।